लिखा दिया बेवकूफ। देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, अपनी कॉपी ले लो, साथ साथ करते हुए ले आओ, ठीक है ना। देखो हमसे कहते हैं x प्लस वन तो मैंने इसे क्वेश्चन कर रखा था, मैं देख लेता हूँ। इज अ फैक्टर ऑफ, तो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 ax प्लस 3a माइनस 7। आपको फाइंड करना है a फाइंड आप ना करना है, अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। आप सबसे पहले क्या करो, आप पुट करो, ये देखते हैं, आप पुट करो x प्लस वन को 0, तो आपके पास जो x होगा वो हो जाएगा -1। आपने पुट करा एक्स प्लस वन को 0, एक्स हो गया आपका -1। किस में पुट करोगे, आप पुट करो एक्स क्यूब माइनस 3 ax प्लस 3 a माइनस 7। आपका जो रिमाइंडर बचेगा, तो आपका रिमाइंडर होगा आपका 0। हेलो हरी साहिब भाई, बोलो साहिब भाई। मेरी क्लास नहीं, आज नहीं, इशिता आएगी कल सुबह 8 से 10 है, इशिता आएगी। इशिता से एक असाइनमेंट ले लेना, मैंने बनाया है, जो आप सॉल्व करके लेकर आओगे, ठीक है बेटे। मेरी क्लास आज नहीं है, यानी एक असाइनमेंट बनाया है मैंने, इसी तरह से ले लेना, इसी तरह लेके आने वाली है, तो वो असाइनमेंट ले आना, आप ऊपर से सॉल्व कर लाना, कल सुबह उसके डाउट्स बता दूंगा आपको, समझ गए। मैं कल सुबह ले लूँगा, ठीक है, कल सुबह 8 से 10 मिले करते हैं। तो देखो आपने क्या लिखा, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 0। तो आपने रिमाइंडर 0, जब एक्स क्या पुट करोगे आप, माइनस का 1 पुट करोगे, रिमाइंडर मतलब आप रिमाइंडर मतलब जो बचता है, जो बचता है डिवाइड करके, तो -1 की पावर 3 0 बचाएंगे, जो आंसर बचेगा वो 0 के इक्वल कर देंगे। अच्छा, तो -1 की पावर 3 माइनस का 3 a एक्स की जगह -1 प्लस का 3 a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। -1 की पावर 3 ये हो जाएगा -1, माइनस 3 a और -1 ये हो जाएगा प्लस 3 a, ये प्लस में हो जाएगा आपके पास में 3 a माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। 3 a और 3 a ये हो गया 6 a, माइनस 1 और माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 ठीक है जी, अब ये माइनस का 8 उधर चला जाएगा, तो आपके पास जो 6 a है वो आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, और a इज इक्वल टू आपका 8 अपॉन 6 हो जाएगा, तो a आपके पास सीधा 4 अपॉन 3 बन गया। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। इससे बेसिक आपके लिए जो पॉलीनोमियल्स है, पॉलीनोमियल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि अगर कभी आपके पास एक फैक्टर आपको गिवन हो, तो आप किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ए बी या के कोई भी चीज़ आपको एग्जाम में दे सकता है। अब देखो एक और क्वेश्चन लिया हमने पॉलीनोमियल्स का, हमसे कहते हैं 2 zeros are, तो 2 zeros of a polynomial x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। तो आप लोग को पहले x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। आपसे कहते हैं इसके 2 zeros are, इसके 2 zeros क्या आपके पास, 2 ± √3, मतलब इसका एक जीरो है जिसमें प्लस साइन आएगा और एक जीरो जिसमें माइनस साइन आएगा। तो आप क्या करोगे, आप इसमें पहले अल्फा लिखोगे 2 ± √3, और आप इसमें बीटा लिखोगे माइनस साइन वाला, वो होगा 2 ± √3। तो आपने एक लिखा 2 ± √3 और एक लिखा आपने 2 ± √3। अब एक चीज निकाली जाती है हमेशा पहले सम, तो सम होगा आपके पास 2 ± √3 और उसमें प्लस कर दोगे आप 2 ± √3, तो √3 √3 कट जाएगा और 2 + 2 कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आपका सम कितना निकल कर आ गया आपके पास 4,
अब ऐसी एक और चीज निकालते हैं, जब कभी जीरोस गिवन होते हैं आपको, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होगा आपके पास 2+√3, और एक और होगा आपके पास 2-√3, हाँ जो होगा आपके पास 2 का स्क्वायर, और माइनस में होगा आपके पास रूट थ्री का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। रूट थ्री का स्क्वायर और थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा आपके पास? 3। तो 4 माइनस 3, बताओ 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1। वन। तो अब इसकी हेल्प से एक चीज निकल कर आती है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है आपके पास, आप लिखोगे एक्स का स्क्वायर माइनस में जो भी आपने सम निकाला इनटू एक्स, और प्लस में जो भी आपका प्रोडक्ट निकला था। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में सम इनटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट। अब आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस में सम, सम आपने 4 निकाला था तो 4x, और प्रोडक्ट आपने 1 निकाला था तो 4x+1। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जो जीरो से आपने बनाया है। ये जीरोस थे किसके? इसके जिसमें एक्स की पावर 4 आता था, 6x³ आता था, 26x² आता था, 138x आता था, और 35 आता था। ये इसके जीरोस थे आपके पास। अब आप इससे इसको डिवाइड कर दोगे, आप x² - 4x+1 से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे एक्स की पावर 4। क्या चीज़ है? आप किसको डिवाइड करोगे? आप डिवाइड करोगे एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² + 138x - 35। आप इसको डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है जी? आप इसको डिवाइड करोगे, अब देखो कैसे डिवाइड करोगे आप। सर मैं बता रहा हूँ, बताओ सर, पहले इधर एक्स और फिर लिख लिया एक्स फोर भी, एक्स की पावर 4। आपने पहले एक्स की पावर 4 लिखा, नीचे लिखा एक्स की पावर, और इससे इससे पहले का एक्स की पावर 4 को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो कितना बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बचा, जो बचा उसको आप यहाँ लिख दोगे और इससे मल्टीप्लाई, आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर 4 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करो माइनस 4x की पावर 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1x2। अभी से माइनस कर दो, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये कट गया। माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस 2x³ माइनस का 2x³ माइनस का 26 और माइनस का 1 माइनस का 27x² प्लस का 138x और माइनस का 35। अब आपके पास है माइनस का 2x³, आप इसे डिवाइड कर दोगे किससे? एक्स स्क्वायर से। ये कितना होगा आपके पास? 2x माइनस 2x, आपने लिखा माइनस का 2x। अब ये जो आपका माइनस का 2x आया, आप इसको एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4x से भी मल्टीप्लाई करोगे, और आप इसे प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का 2x³, माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा प्लस का 8x², और प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस का 2x। आपने साइन चेंज किया, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब प्लस का 2x³ और माइनस का 2x³ कट गया, माइनस का 27x² और माइनस का 8x², ये होगा माइनस का 35x², प्लस का 138x और प्लस का 2x, ये होगा प्लस का 140x और माइनस का 35। अब आप इस माइनस के 35x² को डिवाइड करोगे किससे? आप एक्स स्क्वायर से। कितना आएगा आपके पास? माइनस का 35। आपने लिखा माइनस का 35, ठीक है जी? आपने माइनस का 35 लिखा। अब क्या करेंगे? माइनस 35 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x से करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखिए कैसे करेंगे। x² × x² x² × -35 -x² - 35x² - 4x × -35 +140x +140x माइनस प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 अब कट जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर आपका जीरो निकल कर आ गया, ठीक है जी? तो अब हमारे पास जो हमारा कोशेंट बचा, तो अब हमारा कोशेंट बचता है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35। अब आप इसे करते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इन टू टर्म्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर टर्म। तो कॉर्नर में एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है आपके पास 1 और यहाँ लिखा है आपके पास 35। 35 के फैक्टर बनते हैं 5 और 7।
हमने क्या बनाना है, माइनस का 2 बनाना है। तो अगर आप 5 में से 7 को माइनस कर दोगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो आपने क्या लिखा, x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7x और माइनस का 35। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, x ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 5। माइनस का 7 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, x प्लस 5। x प्लस 5 की ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, x माइनस 7 बचा। ठीक है, तो ये क्या बाकी के दो और इसके फैक्टर्स है, दो और डिवाइजर्स है। तो आप इसमें लिखोगे कि अदर टू डिवाइजर्स आर या अदर टू जीरोस आर। हम कैसे करते हैं, ये हमारा x प्लस 5 है, जब हम इसे जीरो के ऊपर पुट करेंगे तो x का आंसर आएगा माइनस 5। ये हमारा x माइनस 7 है, जब हम इसको जीरो के ऊपर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी आपके पास, प्लस का 7, मतलब जो होता है उसका उल्टा आएगा आपके पास। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया था, हमें दो जीरोस पता थे, हमने उनका सम निकाला, हमने उनका प्रोडक्ट निकाला और उसकी हेल्प से फिर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकाला। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में सम इंटू एक्स और प्लस का प्रोडक्ट। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकला, आप इससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा आप उसके फैक्टर्स बना लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये साथ साथ करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे छोड़ दो तो कम नंबर मिलेगा। सर पूरा ही करो ना, आप छोड़ क्यों रहे हो सर, अगर मैं बाय चांस भूल जाता तो बेटे वो तो मैं टीचर पर डिपेंड करेगा, मैं कह नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास, हमसे कहते हैं सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हेलो नमस्ते सर। हाँ जी सर, धीरज भाभी ना वो आएगी, क्या कहते हैं, इशिता आएगी, मैं असाइनमेंट, इशिता आएगी, इशिता इशिता एक असाइनमेंट देगी तुम्हारे को, जो मैंने आज के लिए मतलब बनाया है, पेपर बनाया मैंने, और वो पेपर आप ना सॉल्व करोगे आज बैठ के, और वो कल सुबह मैं आपको उसके डाउट्स बता दूंगा। अभी आने वाली है, पहुंचने वाली है बस। ठीक है ओके। अच्छा देखो अब आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप हमसे कहते हैं सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो यहाँ पर आपको हम एक नई चीज सिखाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने देखो 3 क्वेश्चन सीखे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने सीखा जिसमें अगर आपके पास फैक्टर गिवन है तो के या ए कैसे निकालते हैं। दूसरा सीखा अगर आपको जीरोज गिवन हो तो बाकी के दो जीरोज कैसे निकालते हैं। और तीसरी चीज जो अब हम आपको सिखा रहे हैं, इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो जी इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब देखो ये होता क्या है मेथड, और फिर उसके इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग। हमारे पास किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन की फॉर्म होगी ए वन एक्स बी वन वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास सी वन, इक्वेशन होगी ए टू एक्स और प्लस का बी टू वाई इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास सी टू। अब आप क्या करते हो, यहाँ आप x लिखोगे, फिर आप y लिखोगे, फिर आप माइनस का 1 लिखोगे, जो x के साथ लिखा है उसको छोड़ दोगे और थोड़ा x से पहले लिखोगे b1 और b2, फिर लिखोगे c1 और c2, फिर लिखोगे a1 और a2। अब जहां से आपने शुरू किया था आप इसको वहीं पर खत्म कर दोगे b1 और b2 की जगह पर। अब भैया नीचे इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसका नाम कर देंगे क्रॉस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस माइनस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब टीचर को तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लग रहा है लेकिन हमें लग रहा है ये क्रॉस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले सारे क्या होंगे हमारे पास में क्रॉस, ऊपर वाले सारे होंगे मल्टीप्लाई, और क्रॉस में से माइनस कर देंगे किसको, हम लोग मल्टीप्लाई को। कैसे करेंगे, हमने एक्स लिखा अपॉन बी वन सी टू से तो क्या हुआ क्रॉस, मतलब बी वन सी टू से क्रॉस होकर बी वन सी टू बनाएगा, हमने उसमें से माइनस कर दिया B2 और C1 को मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा आपके से माइनस से B2 C1। हमने लिखा Y उसके अपॉन में लिखा C1 A2 से होगा मल्टीप्लाई क्रॉस होगा C1 A2 और उसमें से माइनस कर देंगे C2 A1। हम लिखेंगे माइनस 1 के अपॉन में A1 B2 से तो होगा आपके पास क्रॉस और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे A2 B1। याद है कि समझ में आ गई, ये है आपका क्रॉस माइनस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है जी, अब देखिएगा एक क्वेश्चन लिया हमने इसके ऊपर बेस्ड, जो हमारे इतना ही क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, तो बेटे को तो अभी मेथड सिखाया आपको।
वैसे खत्म है। अब आपको मैं मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन पहले मेथड आना जरूरी था ना आपको, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। ये स्क्रीन से कैसे रखना चाहिए, कैसे रखना है और सर उधर से डालना है, ठीक से ना ये लाइन खींच देते हैं, इस लाइन के साथ ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहते हैं सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास है ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में सी, फिर हमारे पास है बी एक्स प्लस में आपके पास ए वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास वन प्लस सी। अब इसे कैसे करेंगे, तरीका हमारा वही है, हमने क्या करा आपके पास, हमने लिखा एक्स, हमने लिखा y, y और हमने लिखा 1 माइनस 1, x के साथ वाले छोड़ दिए, तो क्या थे b और a, y के साथ क्या फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, फिर लिखेंगे c, फिर y के साथ वाला छोड़ देंगे और 1 प्लस c, और 1 प्लस c, फिर इसको छोड़ देंगे a और b, जहां से शुरू करा था वहां पर खत्म कर देंगे। नीचे की तरफ सारे होते हैं आपके पास क्रॉस, ऊपर की तरफ सारे होते हैं आपके पास मल्टीप्लाई। मेथड का नाम है बाय क्रॉस माइनस मल्टीप्लिकेशन, माइनस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये पॉलीनोमियल का लीनियर पेयर, ये है आपका लीनियर पेयर का x अपॉन, अब देखो x के अपॉन में ये b मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस c से, तो b के साथ है 1 प्लस c, उसमें से माइनस किया a के साथ कितना आपके पास c, आपने लिखा y अपॉन c के साथ है b, मतलब bc, उसमें से माइनस किया a के साथ 1 प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन कितना आपके पास a से मल्टीप्लाई करा a स्क्वायर, माइनस में कितना होगा आपके पास b स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, x के साथ है b प्लस bc माइनस ac, इसको इक्वल कर दोगे माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ। इससे फायदा क्या होगा, हमारा x निकलाएगा, x कितना होगा माइनस का 1 बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो अगली चीज हमारा, ये तो हमारा x की वैल्यू निकल कर आ गई, कुछ नहीं करना हमें, कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख के छोड़ देना होता है। अब आप y पर आ गए, आपने लिखा y अपॉन, तो y के अपॉन में कौन है बी सी माइनस ए माइनस ए सी, माइनस के ए को आपने 1 से भी मल्टीप्लाई किया और माइनस के ए को आपने सी से भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू कितना आपके पास माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू ये चीज मल्टीप्लाई में जाएगी, तो माइनस 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा बी सी माइनस ए माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आप बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है जी, x भी मिल गया y भी मिल गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं, मेथड का नाम है क्रॉस माइनस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। अच्छा देखो अब आपके पास में हमने फोर्थ थिंग है आपके पास, जो अगला क्वेश्चन हम आपको चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में टू डिजिट नंबर्स हैं, तो जब भी कभी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए वर्ड प्रॉब्लम का जिसमें आपसे फोकस करते हैं टू डिजिट नंबर के ऊपर, तो टू डिजिट नंबर के लिए सबसे पहली डिजिट होती है यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को आप एक्स लिखते हो, आपके पास जो होती है टेंस डिजिट, तो आप टेंस डिजिट को वाई लिखते हो, और आपसे कहते हैं आपका जो टू डिजिट का नंबर होता है होगा 10y और प्लस में इतना होगा एक्स, आपसे कहते हैं कि डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बना, तो डिजिट्स को इंटरचेंज करके नंबर बनता है आपके पास रिवर्स नंबर, तो रिवर्स नंबर को हम लोग लिखते हैं आपके पास 10x प्लस में वाई, ये हमारा रिवर्स नंबर होता है। यहाँ पे आता है बस के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे, तो रिवर्स नंबर है 10x प्लस y। अब देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ के चलेंगे और आपका पहला केस बनेगा, पहले केस में कहते हैं 7 टाइम्स ए टू डिजिट नंबर, देखो हमसे कहते हैं 7 टाइम्स
एक टू डिजिट नंबर इज इक्वल माने टू फोर फोर टाइम्स टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो काम की चीज है 7 टाइम्स टू डिजिट नंबर, काम की चीज है 4 टाइम्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो काम की चीज है आपके पास 7 टाइम्स एक नंबर इक्वल है 4 टाइम्स टाइम्स जब आपने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। तो 7 टाइम्स कोई भी नंबर होगा आपके पास 10y+x, और 4 टाइम्स कोई भी रिवर्स नंबर होगा आपके पास 10x+y। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा हमारे पास सेवेंटी 70y वाई और प्लस 7x, 7x इक्वल्स ये होगा फोर्टी 40 एक्स एक्स प्लस फोर और वाई 4y। अब 4y को इधर लेकर आ गए, सिक्सटी 70y में से 4y सिक्स गया 66y, वाई और 7x को माइनस कर दिया 33x। 33 से क्या करो, डिवाइड, डिवाइड बाय 33, थर्टी थ्री ये कितना वाई बचा, सर गलत 2y करा सर आपने इज इक्वल टू x। सर 70 में से 40 कर दो सर 30 आया ना बेटे बैठ जाओ, सो जा अपनी लाइन 7x को इधर लेके जाओगे तो 40 में से 7 ओ माइनस करोगे, और 4y को इधर लेके यस जाओगे तो 70 से माइनस मेरे को करोगे। लगा 40 y, चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, बैठो आराम से। सो जा अच्छा बस क्या हो देखो, गया ये भी बात है। अब देखो आपसे कहते हैं केस टू, बेटे समझो बात को, आप लोग बस मजाक मत उड़ाओ किसी की। मजाक मत बना, केस टू देखें, हम केस टू में आपसे कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, देखिएगा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 3, दो डिजिट्स का डिफरेंस आपके पास में 3 है थ्री भैया। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। दो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस आपके पास में 3 है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि एक्स वाई से बड़ा हो, तो एक्स माइनस वाई आपका 3 बन गया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे क्योंकि 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और हो सकता है माइनस वाई आपका एक्स से बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो सकता है आपके पास, तो हम क्या लिखेंगे, वाई माइनस एक्स एक्स इज इक्वल इक्वल्स टू टू 3, थ्री ये इक्वेशन हो जाएगी मतलब हमारे पास, ये थ्री थर्ड। तो हमारे दो केस बन गए, पहला केस है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो आएगी वो इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे, जो एक्स आएगी माइनस वन टू और वाई थ्री कितना होगा करेंगे आपके पास, 0। जीरो एक चीज आपके पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में, 3। थ्री अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो यहाँ पर एक्स का साइन प्लस का था, यहाँ भी आपके पास प्लस का है, प्लस का साइन है, तो जब आपके पास में साइन सेम होते हैं तो आप करते हो सब्ट्रैक्ट, और साइन होते हैं आप बोल रहे, तो आप करते हो ऐड। तो देखो आपने क्या करा, साइन आपके पास सेम है तो आपने क्या लिखा, ऑन सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा माइनस का, ये होगा प्लस का, ये होगा माइनस का, ये एक्स और एक्स कट गए आपके, माइनस का 2y और प्लस का वाई, आंसर बना माइनस का वाई और ये माइनस का 3, बाय बाय कट तो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3 माइनस कर दूंगा। आपने वाई की जगह 3 पुट किया तो 6 आएगा, एक्स माइनस 6 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा 6। आपने निकालना था नंबर, नंबर होता था आपके पास 10y और प्लस प्लस में x, तो ये कितना होगा आपके पास 10, y कितना है 3, x कितना है 6, नंबर होगा आपके पास 36, तो नंबर है आपका 36, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आपके पास में इधर हमने क्या करा, 1 को सॉल्व करो किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि तुम्हारा 1 के लिए कंफ्यूजन नहीं है, आपका कंफ्यूजन है कि भाई x बड़ा है या y बड़ा है, तो आपका कंफ्यूजन है सेकंड और थर्ड को लेकर। तो अब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके देखोगे, आपने लिखा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर 3 में वाई एक्स आपके माइनस पास में माइनस का, तो पहले माइनस का एक्स लिखेंगे, वाई है प्लस का तो प्लस का वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना आपके पास में 3, ये आपकी थी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स प्लस का और यहाँ माइनस का, तो आपने क्या करा, ऑन साइन एडिंग, बट जब आपके पास साइन होते हैं अपोजिट आप करते हो ऐड जिससे कि वो कट जाए, और अगर साइन होते हैं आपके पास में सेम तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो जिससे कि वो कट जाए। तो बेटे ये एक्स और ये एक्स कट गया आपका, माइनस का टू वाई के साथ में वाई कितना होगा, माइनस का वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू कितना होगी, माइनस 3। अब आप यहाँ पर इसको छोड़ दोगे तो आप क्या लिखोगे, नो डिजिट कैन बी नेगेटिव, कोई भी डिजिट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। 23 के अंदर 2 या 3 में से कौन नेगेटिव होता है, पूरा नंबर नेगेटिव हो सकता है, डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती।
ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ दोगे, केस को इसको लेके नीचे चलोगे, हमारा आंसर हो गया 36। ठीक है जी, सर रिवर्स नंबर नहीं निकालेंगे सर, हमें रिवर्स एक नंबर पूछा जाता है, रिवर्स नंबर तो हमें निकालते हैं लेकिन पूछा नहीं जाता। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब देखो भाई, अब हमारे पास में हमारी ट्रिगो आ गई है। ट्रिगो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको तो बहुत अच्छे साथी होगी ट्रिगो, आप लोग तो चैंप हो ट्रिगो में। चलो भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी जीरो ना आए, जीरो से ज्यादा आ जाए, जीरो से पहले भी कुछ आ जाए, सब वन आ जाएगा और क्या। तो कॉस ए अपॉन वन माइनस टेन इज इक्वल टू कितना, प्लस में कितना आपके पास साइन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कितना आपके पास कॉस ए और प्लस में कितना आपके पास साइन ए। तो बेसिकली क्या करना है आपके पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये अपॉन में इसके अपॉन में कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा कॉस ए लिखा, डिवाइड डिवाइड का साइन लगाया वन माइनस टेन प्लस प्लस लिखा साइन ए डिवाइडेड डिवाइड का साइन लगाया वन माइनस कॉट ए वन माइनस कॉट ए। अब आपके पास कॉस ए तो बेटा ऐसे लिखा रहा आपका, डिवाइड का साइन भी लिखा रहा, आपने क्या लिखा वन माइनस टेन ए, टेन ए कितना होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ए प्लस में साइन ए लिखा रहा, आपने डिवाइड का साइन लगाया, ये होगा वन माइनस कॉट ए कितना होगा आपके पास कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। सुबह करके क्या था देखो, कॉस ए डिवाइड का साइन, इसके नीचे वन लिखा, एलसीएम कितना आएगा आपके पास कॉस ए, ये कॉस ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए साइन ए, ये प्लस में आपके पास साइन ए डिवाइड का साइन साइन ए एलसीएम, इसके नीचे एलसीएम लिखा, एलसीएम आएगा आपके पास साइन ए साइन ए, ये होगा आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये मल्टीप्लाई में छेदेंगे डिवाइड, हां सही में यार तुम तो ट्रिगो में बहुत होशियार हो, और सही रेसिपी फॉलो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। वाह यार ग्रेट वीडियो टीचर, साइन ए साइन ए डिवाइड को मल्टीप्लाई में करा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस ए, वेरी गुड स्क्वायर ए लाइक कहां से कॉस, अच्छा कॉस ए इनटू कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर स्क्वायर ए, हां समझ आ गया, यहां से हो जाएगा ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, और साइन ए इनटू साइन ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस एलसीएम शायद कॉस ए। अब बेटे इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाई थी कि मैंने कहा था अगर एक चीज कॉस ए माइनस आने और दूसरी चीज साइन ए माइनस कॉस ए तो हम क्या करते हैं, बताओ बताओ बेटे क्या सिखाया था कॉस स्क्वायर ए। तो बेटे मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक कॉस माइनस है ना अगले में इसका उल्टा लिखाओ तो आप माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, हाँ माइनस तो माइनस है ना, अगर आप बाहर निकाल देंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस ए प्लस साइन माइनस साइन साइन। आपने एलसीएम लिया कॉस से साइन ए कॉस स्क्वायर कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए, ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी प्लस बी प्लस बी और ए माइनस बी और अपॉन में कितना होगा आपके पास ये कॉस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यस बिल्कुल ठीक है, ये वेरी गुड कॉस ए प्लस साइन ए ऐसा ही क्वेश्चन है आर जी सारे आपके पास रटने पड़े क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन व्हाट इज दिस वेरी गुड। चलो जी समझ में आ गया आप सर, आ गया प्रश्न नंबर 6 अभी नहीं देखो तक 10 क्वेश्चन कर 10 तो करो कम से कम कितने हो गए एक सीटिंग में 10 क्वेश्चन तो करो अभी 6 पाएंगे मेबी दो क्वेश्चन में 6 देखो हमें प्रूव करना है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा टेन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वहाँ बैठ जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ कहीं बैठ जाओ। अच्छा क्या चीज़ है, अच्छा कर दे। इसमें सर आपकी शूटिंग का सामान था ना, एक्स्ट्रा फिल्म बनेंगे हम लेंगे, फिर को इसमें हम आप हीरो 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 लेंगे। अच्छा एलएचएस देखिए आप, एलएचएस है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, डिवाइड का साइन साइन थीटा कॉस थीटा। सेम तरीका सिखा रहा हूँ बेटे, जो मेथड मैंने क्वेश्चन तरीके से ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि कोई बेवकूफ़ बच्चे भी साथ बैठ जाएगा तो सब सीख जाएगा। हाँ मैं बेवकूफ़। टेन थीटा कितना होगा आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कितना होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइड का साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस। अब आपने इसका एलसीएम लिया, कॉस थीटा साइन थीटा कितना निकलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में चला गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में क्या, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। देखो जी, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें आंसर में चाहिए टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, ध्यान से, हमसे तो टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर मांगा गया है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे टेन स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने ब्रैकेट खोली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल दो, माइनस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट गया, आंसर निकला आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल सर, समझ में आ गया सर? सुना को दे, सारी इकट्ठी करता रहेगा भाई, लाइन से इकट्ठी कर लो, वापस से इकट्ठी कर लो। अब देखो सर, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके पास में लेके चला हूँ रियल नंबर्स का, है ना जी? यस सर। देखो जी, बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। हमसे कहते हैं कि हमारा जो इवन नंबर है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है 4q एंड 4q प्लस में 2, ये आपको बताना है। हर किसी में आती है, हर इवन नंबर की फॉर्म 4q और 4q प्लस 2 होती है। तो आपने कहा लेट x बी एनी नंबर, लेट्स के आपका कोई x आपका कोई नंबर है, आपने लिखा कि आपका जो डिवाइजर है वो सपोज करो कितना आपके पास में 4 है, तो ये जो आपके पास x है ये 4 टाइम्स में क्या होगा आपके पास में कोशेंट, और प्लस में क्या होगा आपके पास रिमाइंडर, जिससे डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स उसका उसने टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपने क्या लिखा, रिमाइंडर कैन बी, बताइए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है शिवांग जी? 1 0 1 2 3, शाबाश, 0 1 2 3, ये हमारा रिमाइंडर हो सकता है। हमने पहला केस लिया 0 से, पहला केस रिमाइंडर कितना आपके पास 0, तो बताइए x कितना हो जाएगा 4 टाइम्स कोशेंट प्लस 0, तो x कितना हो गया 4 क्यू, ये 4 क्यू 4 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या बन गया आपके पास में इवन नंबर बन गया। जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो इवन हो गए। दूसरी चीज रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल्स टू 1,
एक्स इक्वल्स टू फोर क्यू फोर क्यू प्लस वन। भैया ये तो टू की टेबल में आता है, वन नहीं आता। ऑड नंबर, ऑड नंबर हो गया। तो बहुत तीसरी चीज रिमाइंडर इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा फोर क्यू टू और प्लस का टू इवन नंबर। तो ये इवन नंबर क्योंकि दोनों के दोनों टू की टेबल में आते हैं। आपने चौथी चीज पर आ गए रिमाइंडर इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स होगा आपके पास में फोर क्यू प्लस में थ्री। ये टू के टेबल में आता है लेकिन ये थ्री नहीं आता, इसलिए ऑड है। ठीक है जी, मुश्किल है? नो सर। चलो जी, अब सेवेंथ के बाद आपके पास में एट क्वेश्चन। हमसे कहते हैं टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, हमें इसे इरेशनल शो करना है। करने का तरीका क्या है हमारे पास, लेट टू प्लस रूट थ्री बी इरेशनल, टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर कोप्लैंड नंबर्स। शाबाश, बहुत बढ़िया करो। वेयर ए कॉमा बी आर को प्राइम नंबर्स नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये दूसरी स्टेप देखो, रूट थ्री को अपने पास रखो, टू को उधर भेज दो, ए अपॉन बी माइनस का टू, ऐसे में ऐसे नीचे बी वन रूट थ्री इज इक्वल टू बी बी। ये कितना होगा आपके पास a माइनस टू बी टू बी। दिस शोज कि रूट थ्री हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रैशनल नंबर। दिस शोज रूट थ्री इज रैशनल रैशनल बट वी नो दैट बट वी नो दैट रूट थ्री इज इरेशनल सो आर अजम्पशन इज अजम्पशन इज रॉन्ग इज रॉन्ग रॉन्ग। हमारी अजम्पशन टू प्लस रूट थ्री के लिए थी, तो टू प्लस रूट थ्री इज रॉन्ग रॉन्ग, वो रैशनल ना होकर के आपके पास इरेशनल। क्लियर हो गया? एट भी खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, शायद सिक्स उधर आता है। वेरी गुड, एससीएफ निकालना है अपने 1424 एंड 4056 का। कैसे निकालेंगे, 1424 से डिवाइड करेंगे 4056 को, तो पहले कितने टाइम जाएगा आपके पास में, टू टाइम्स, टू फोर जाए एट, टू टू जा फोर, टू टू फोर जाए एट, टू वन जा टू टू, सिक्सटीन में से एट गए एट, फोर्टीन फोर में से फोर गए जीरो, टेन में से एट गए टू और थ्री में से टू गया वन। ये रिमाइंडर है, फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, तो ऐसे होगा इस 1208 से डिवाइड करेंगे 1424 को, ये वन टाइम जाएगा 1208, 14 में से 8 गए 6, ये 1 और 1 2, 4 में से 2 गए 2, अब 216 है, तो 216 से डिवाइड करेंगे 1208 को, ये आपके पास में शायद 5 टाइम जा सकता है। नहीं ऐसे 5 6 2 12 होता है, 5 टाइम से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 2 जा 10, ये होगा 8, 20 में से 8 गए 12, 128, 128 से 216, ये टू टाइम से जाएगा, वन टाइम से आ पाएगा 128, कितना होगा 16 में से 8 गए 8, 10 में से 2 गए आपके पास 88 से 128 11, ये भी वन टाइम जाएगा 88, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 8 गए 40। अब आपके पास ये नंबर बचा, तो आपने 40 से डिवाइड करना है 88 को, टू टाइम्स 80 8 बचा 5 टाइम्स 8 से 40 को 8 5 जो 40। क्लियर है? तो ऐसे कितना हो गया 8। लेकिन खास चीज ये नहीं है, खास चीज है इसका एल्गोरिथम। सबसे पहले किसको डिवाइड किया 4056 4056 को, ये क्या होगा 1424 से डिवाइड हुआ कितने टाइम्स 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 1208। फिर आपने 1424 को डिवाइड किया
किससे डिवाइड किया, 1208 कितने टाइम्स किया, 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा, 216। फिर आपने 1208 को डिवाइड किया 216 से, रिमाइंडर कितने टाइम्स किया, 5 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा, 128। फिर आपने 216 को डिवाइड किया 128 से, 1 टाइम्स किया, रिमाइंडर बचा 88। फिर आपने 128 को डिवाइड किया 88 से, 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा, 40। फिर आपने 88 को डिवाइड किया 40 से, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 8। फिर आपने 40 को डिवाइड किया 8 से, 5 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0। तो आपका जो एचसीएफ निकला वो कितना है, 8। बाहर बैठोगे आप, ऐसे पता निकला आपका 8 निकला, ठीक है जी। तू बैठ जा, तू बैठ जा, बैठ जा। मुझे बस करना है यार, आप लोग पढ़ने नहीं आए थे, मुझे नहीं आए थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80, 80 से लेकर 90 और 80 से लेकर 100। ठीक ना था सर वैसे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, हमारी फ्रीक्वेंसी आपके पास 17, F1 32, F2 19, ये फ्रीक्वेंसी है बेटे। जब भी कभी मीन का क्वेश्चन होगा तो आप निकालते हो एक्स, और मीडियन का क्वेश्चन होता है तो आप निकालते हो सी एफ। तो एक्स निकालोगे, एक्स 0 और 20 का हाफ होगा 10, 20 और 40 का हाफ होगा 30, फिर कितना होगा आपके पास 50, फिर 70, 90। अब इसमें देखो ना, याद रखने वाली चीज क्या है, अगर आपके पास में एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ एफ इन टू एक्स वाला, लेकिन अगर आपके पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, और F1 या F2 के सामने वाले को आप A ऐड करो, तो F1 के सामने 30 है, F2 के सामने 70, तो 30 को ऐड करो, पर मैं 30 को A ऐड कर लिया, क्योंकि सर ऊपर वाले इक्वेशन का कम हो रहा है प्लस से कम। अब आपके पास इससे निकल के आता है UI, UI होता है XI माइनस A अपॉन H। अब 10 में से 30 को माइनस किया, माइनस 20 डिवाइड किया किससे आपने, 10 से डिवाइड कर दिया, तो कितना बचा, -2, तो 10 से कर दिया हमने, फिर 20 ले लिया, हम एक भी देंगे, ए हमने लेट किया किसको, 30 को, एच हम किसी को भी कर सकते हैं, एच हमने लेट किया किसको, 10 को, किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं एच हमने। अब देखिए आपने क्या करा, आप 30 में से 30 को माइनस करा 0, तो आपका 0 बन गया, ये हो गया। अब 20 में से 30 को माइनस करा 20, तो ये 2 बन गया, 4, 70 में से 30 को माइनस करा 4, और इसमें से 30 को माइनस करा तो 60 आएगा, और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। अब आप निकालते हो FI into UI, सर UI होता है कि XI होता है, सर ये होता है XI होता है, XI तब जब डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो, UI तब जब स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हो। तो आपने क्या करा, 17 को -2 से मल्टीप्लाई करा, -34, ये होगा 0, ये होगा 64, ये करा आपने 4 टाइम्स F2, और इसको करा 69 या 54, 69 या 65, 1114 हो गया आपके पास, ठीक है जी। आपने यहाँ पर क्या करना है, समेशन FI UI करना है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, इसका सम दे रखा है आपको, समेशन सारी फ्रिक्वेंसीज का सम, सारी फ्रिक्वेंसीज का सम कितना है आपके पास, 120। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में आपको मीन भी बताया, मीन कितना आपके पास 50 है। अब देखो सबसे पहले ये 17 F1 32 F2 और 19 ये मिलकर कितना बना रहा है आपका, 120। मतलब F1 प्लस F2 तो आपका ऐसे लिखा रहा, फिर प्लस में 17 और 32 को प्लस करो कितना होगा, 49, 49 और 19 को प्लस करो कितना होगा, 68 इज इक्वल टू 120। तो F1 प्लस F2 होगा 120 माइनस 68, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना होगा, 10 से 8 गया 2, 52। ये क्वेश्चन नंबर आपकी वन है। अब आपने समीशन FIUI को देखना था, तो आपने सबसे पहले 4F2 को तो आपने अलग लिख दिया, याद रखने वाली बात है, 4F2 ना तो किसी में प्लस होगा ना माइनस होगा, तो आपने 4F2 को अलग लिखा।
अब बाकी नंबर में ये प्लस का 64 है माइनस का 34 है, कितना बचा 30, 30. उस 30 को 114 में प्लस कर दो कितना होगा 144 हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा देखो अब आपने क्या करा, आपने मीन का फॉर्मूला लगाया. बताओ मीन क्या होगा आपके पास. समीशन मीन होता है ए प्लस. हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक कह रहा. समीशन एफ आई यू आई इनटू एच प्लस इनटू एच. इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दें, ए को अलग प्लस कर दें, ब्रैकेट में जरूर बंद किया कीजिएगा. अब आपके पास ए, ए कितना मीन कितना गिवन था आपको 50. ए कितना लेट किया था आपने 30. समीशन एफ आई यू आई कितना निकला था आपका 4F2 प्लस 144 प्लस 144 समीशन एफ आई कितना था 120. एच किसको लेट किया था आपने 10 को. 30 इधर माइनस में चला गया 50 माइनस 30 50 माइनस 30 ये होगा 4F2 प्लस का 144 अपॉन 120 इनटू 10 कैंसिल आउट हो गया. 50 में से 30 को माइनस करो 20 इनटू 100 ये होगा 4F2 प्लस का 144 कितना बन गया आपके पास बताइए. 24 को माइनस कर दो. एफ वन कितना हो गया 12 में से 4 गया 28. ये 10 क्वेश्चन है आपके पास. जैसे आपके क्वेश्चन खत्म हो गए. अब जाते हैं.